वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, हमारी स्किन से, हमारी बॉडी से बहुत सी चीज़ें कहीं खो सी जाती है। वो यूथफुल वाला ग्लो, वो स्किन की इलास्टिसिटी, वो स्किन की फर्मनेस कहीं ऐसे खो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। उसके बहुत से रीज़न होते हैं। सबसे बड़ा रीज़न होता है कॉलेजन। कॉलेजन जो होता है वो एक डिसाइसिव प्रोटीन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी स्किन की फर्मनेस के लिए और स्किन की इलास्टिसिटी के लिए। जैसे हमारी एज बढ़ती है कॉलेजन ब्रेक डाउन हो जाता है और हमारी स्किन डल अपेयर होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ जो फाइन लाइंस और रिंकल्स देखते हो जो एज के साथ आते हैं, उसके लिए भी बहुत बड़ा रीज़न होता है कॉलेजन। कॉलेजन जो होता है वो 70% ऑफ हमारी स्किन को बनाता है और जब हमारी एज बढ़ती है हमारी स्किन का नेचुरल कोलाजन कहीं खो सा जाता है और उसकी वजह से हमारी स्किन बिल्कुल ही डेड और डल अपेयर होना शुरू हो जाती है। कॉलेजन को हम बहुत ढंग से बूस्ट अप कर सकते हैं, वही हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। बट साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे कॉलेजन ब्रेक डाउन हो जाता है। ये दोनों चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपको ये फैक्टर्स पता होंगे जिससे कॉलेजन ब्रेक डाउन हो जाता है, आप ध्यान रखोगे और उनसे कॉलेजन ब्रेक डाउन नहीं होगा। और जब आपको हम कॉलेजन बूस्टिंग का तरीका बता देंगे तो बेसिकली दो ढंग से आपकी कॉलेजन बढ़ने का काम करेगा। एक तरफ वो ब्रेक डाउन नहीं होगा और दूसरी तरफ कॉलेजन आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और आपको बताते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलेजन ब्रेक डाउन एंड हाउ यू कैन बूस्ट कॉलेजन। सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिससे कॉलेजन ब्रेक डाउन हो जाता है। फैक्टर नंबर वन, सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर हमारी स्किन को बहुत ढंग से नुकसान देता है, हमारी स्किन में सन बर्न कर देता है, टैनिंग कर देता है और यहां तक स्किन कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। बेसिकली हमारी जो स्किन की नॉर्मल फंक्शनैलिटी होती है ना, उसको प्रॉपरली डिसरप्ट कर देता है और हमारे कॉलेजन को बिल्कुल ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे हमारे फेस पे जल्दी से आ जाते हैं फाइन लाइंस, रिंकल्स और एजिंग साइंस। फैक्टर नंबर टू, पुअर डाइट। हमारी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है वो बहुत हद तक हमारी बॉडी को तो अफेक्ट करता ही है, हमारी स्किन को भी अफेक्ट करता है। शुगर, फैट, नॉट वेल प्रोसेस्ड फूड, ये सारी चीजें हमारी बॉडी में कॉलेजन को ब्रेक डाउन कर देता है और हमारी स्किन डल अपेयर होना शुरू हो जाती है और स्किन की इलास्टिसिटी कहीं खो सी जाती है। फैक्टर नंबर थ्री, लाइफस्टाइल हैबिट्स। हमारा जो आजकल का लाइफस्टाइल हो गया ना, वो इतना ज्यादा खराब हो गया है, लेट नाइट पार्टीज, एल्कोहल, सिगरेट, लैक ऑफ स्लीप, एयर पॉल्यूशन, ये सारे रीजन होते हैं जो हमारा कॉलेजन ब्रेक डाउन कर देते हैं। इन फैक्ट टू बी प्रिसाइज, 87% जो हमारी स्किन परसेंट एजिंग होती है ना, वो इन्हीं लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से होती है। अब जब आप जान चुके हैं क्या रीजन होता है जिससे कॉलेजन ब्रेक डाउन हो जाता है, सीधा आगे बढ़ते हैं कैसे आप कॉलेजन को बूस्ट अप कर सकते हो। ये जो सारी चीजें ना आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स तो देगी ही, साथ साथ आपका कॉलेजन भी बिल्कुल बूस्ट अप करके रखेगी। इसके साथ साथ मेक श्योर करेगी आपका कॉलेजन इजिली ब्रेक डाउन ना हो। फैक्टर नंबर वन, कॉलेजन सप्लीमेंट्स। जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है, कॉलेजन सप्लीमेंट वो होता है जो आपका कॉलेजन लेवल एकदम से इंक्रीज कर देता है। जो मैं खुद यूज भी करता हूं और रिकमेंड भी करता हूं, वो है हेल्थ कार्ट वाइटल्स का स्किन रेडियंस कॉलेजन। ये एक मरीन कॉलेजन है जो इसको बनाता है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉलेजन। इसके कुछ मेजर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो एक है विटामिन सी, विटामिन ई और बायोटिन, जो इसको बनाता है 25 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन रेगुलर कॉलेजन बिल्डर। इसके साथ साथ इसमें डाला गया हाइलुरोनिक एसिड जो आपकी स्किन को बढ़िया ढंग से हाइड्रेट भी करता है। इसके कुछ मेजर बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारी स्किन की फर्मनेस को बनाए रखता है, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। बेसिकली कहा जाए तो हमारी स्किन को यंग रखता है, ग्लोइंग रखता है और प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखता है, जिससे हमारी स्किन तो ग्लो करे ही करे, हमारा कॉन्फिडेंस भी अलग ही लेवल पे रहे। अगर आप ये प्रोडक्ट ऑर्डर करने का प्लान कर रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स डाल दूंगा, वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं, ऑर्डर की सारी डिटेल्स आपको वहां मिल जाएगी। आप चाहें तो मेरा ये वाला कोड डाल सकते हैं जिसका जो है रोहित, उससे आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। नंबर टू, अवॉइड सन एक्सपोजर एंड ऑलवेज वेयर SPF। सन एक्सपोजर एक बहुत बड़ा रीजन होता है जितने भी हमारी स्किन पे डैमेज होते हैं, चाहे एजिंग प्रोसेस हो, फाइन लाइंस हो, रिंकल्स हो या कोलाजन ब्रेकडाउन हो। सन से निकलती है UVA रेज और UVB रेज जो हमारे को बहुत सा डैमेज देती है। टू बी प्रिसाइज, जो UVA रेज होती है ना, वो सबसे बड़ा रीजन होती है एजिंग बढ़ाने का, रिंकल्स का, फाइन लाइंस का, और जो UVB रेज होती है वो हमारे फेस पे सनबर्न और टैनिंग करती है। तो अगली बार जब आप सनस्क्रीन लेने जाओ, आप मेक श्योर करो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपको इन दोनों रेज से प्रोटेक्ट करके रखती है, ना आपके फेस पे एजिंग साइंस होने देगी ना होने देगी टैनिंग। इसके साथ साथ आप मेक श्योर करो जो आप कपड़े पहनते हो सन में जाने से पहले, वो आपकी स्किन को प्रॉपरली कवर अप करके रखें। सिर्फ SPF लगाना काफी नहीं है, आपकी स्किन प्रॉपरली प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए सन एक्सपोजर से भी। नंबर थ्री, ईट एंड अप्लाई एंटीऑक्सीडेंट।
एंटीऑक्सीडेंट वो चीज होती है जो आपको एक्सटर्नल रीजन से प्रोटेक्ट करके रखती है आपकी स्किन को, चाहे वो पॉल्यूशन हो कोई भी चीज हो, आपकी स्किन इतनी स्ट्रांग होती है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता आसपास हो क्या रहा है। इससे पहले आप ये सोचो मैं एंटीऑक्सीडेंट में क्या लगा सकता हूं, सबसे पहले ये देखो आप एंटीऑक्सीडेंट क्या कंज्यूम कर सकते हो। आपको लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज, रेस्बेरीज, स्पिनच, कैबेज, ये सब जो चीजें होती है एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट होती है, आपकी स्किन को इतना स्ट्रांग बनाती है कि उसमें कोलाजन ब्रेकडाउन बिल्कुल हो ही ना। और जहां तक टॉपिकल एप्लीकेशन की बात आती है, विटामिन सी सीरम सबसे बेस्ट रहते हैं। आप एक बढ़िया विटामिन सी सीरम में इन्वेस्ट कर सकते हो और उसको ट्वाइस इन अ डे लगा सकते हो, उससे आपकी स्किन में एंटीऑक्सीडेंट बाहर से भी मिलेगा अंदर से भी मिलेगा। पर आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप विटामिन सी सीरम लगाओ और बाहर जा रहे हो उसके बाद सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करो, वरना आप अपनी स्किन को डैमेज कर बैठोगे। नंबर फोर, अप्लाई रेटिनॉल सीरम। आपको जो रेटिनॉल सीरम है वो बहुत से बेनिफिट्स देता है, आपकी स्किन टोन को इवन करता है, रिंकल्स और फाइन लाइंस को बिल्कुल दूर रखता है, आपकी स्किन को स्मूथ रखता है और सबसे जरूरी बात कोलाजन को बूस्टअप करने का काम करता है। आप आफ्टरनून में लगाओ विटामिन सी सीरम और जो इवनिंग का टाइम है या रात का टाइम है उसके लिए आप रख लो रेटिनॉल सीरम। रेटिनॉल सीरम आप अपनी नाइट क्रीम से पहले लगा सकते हो, ये आपको बहुत से बेनिफिट्स देता है, आपकी स्किन को स्मूथ भी रखेगा, इवन भी रखेगा और जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठोगे आपकी स्किन प्रॉपरली ग्लोइंग रहेगी, फर्म रहेगी और इलास्टिक रहेगी। नंबर फाइव, ड्रिंक ग्रीन टी। ग्रीन टी हमारी बॉडी को भी बहुत से फायदे देती है, स्किन को भी बहुत से फायदे देती है। उसके अंदर होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप करने का काम करती है, हमारे वेट को कंट्रोल रखती है और इसके साथ साथ हमारा कोलाजन लेवल को बूस्टअप करने का काम करती है। अगर आप रेगुलरली ग्रीन टी पीते हो आपके एजिंग साइंस बिल्कुल दूर रहेंगे, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, ग्लोइंग रहेगी। इनटेक बहुत जरूरी होता है टॉपिकल एप्लीकेशन के साथ भी, तो ग्रीन टी अगर आप नहीं पीते हो आज से ही शुरू कर दो और आपको विजिबल डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। कोलाजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी और स्किन की नेचुरल फंक्शनैलिटी को मेंटेन करने के लिए, तो अगर आप ये स्टेप्स आज तक फॉलो नहीं कर रहे थे तो आज से आप शुरू कर सकते हो। आपका जो एजिंग साइंस है, जो एजिंग प्रोसेस है, वो काफी हद तक आगे डिले हो जाएगा, आपकी स्किन भी बढ़िया रहेगी, बॉडी भी बढ़िया रहेगी। आप चाहें तो ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिनका कोलाजन लेवल डिक्रीज हो रहा है और फाइन लाइंस और रिंकल्स उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। तब तक हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट रोहित सचदेवा, गुड बाय।